Congratulations, you are the lucky person in the Free Fire community. What is rate of this ID? How you get this bundle, please tell me. Bro, how you get all seasons bundle, please tell me. Kaise mila bhai? Can you tell me the trick of got all bundles? I want these love from India. Apna account sell karna hai to WhatsApp number de de. I need this ID. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे सारे एलाइट पास कैसे मिले और उसके पीछे क्या स्टोरी है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम पीछे चले जाते हैं 3 साल पहले, तो गाइज पहले मैं सीज़न 2 से खेला करता था, सही है। तो सीज़न 2, 3, 4 मैंने गेस्ट आई डी खेला, तब हमें पता नहीं होता था कि कोई आई डी भी बनानी होती है एंड उसमें एलाइट पास लेना होता है और ये सारी चीज़ें, ये कुछ भी हमें पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि सीज़न 7 में जाके, सीज़न 7, 8 और 9 आई थिंक मैंने 2-3 एलाइट पास लिए थे और वो वाली जो मेरी आईडी थी वो हो गई सस्पेंड। अब सस्पेंड क्यों हुई, तो वहाँ पे गाइज एक बग आया था जो कि मैंने यूज़ किया था, वो मुझे यूज़ नहीं करना था। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, कोई बताता भी नहीं था, ना यूट्यूब का भी पता नहीं था कि हम कोई बताए हमें कि बग वगैरह यूज़ नहीं करना है एंड इससे आईडी बैन हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरी आईडी बैन हो गई उस रीज़न की वजह से। एंड ये वाली मेरी पहली आईडी थी, पहले मैं गेस्ट अकाउंट्स में ही खेलता था। तो वो जब आईडी बैन हो गई तो मैं पूरा यार टूट चुका था एंड वो आईडी में मैंने थोड़ा बहुत खर्चा भी किया था। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर इतना लोग कोई टॉपअप वगैरह नहीं करते थे एंड मैंने कुछ ना कुछ टॉपअप करके वहाँ पे पैसे गेम में लगाए, 4 से 5 हज़ार मैंने अपने गेम में लगाए। तो आप सोच ही सकते हैं जब वो आईडी सस्पेंड हो जाए एंड बंद हो जाए तो बंदा क्या ही करेगा। तो फिर मैंने 2-3 महीने का गैप ले लिया, गेम को छोड़ दिया 2-3 महीने। और उसके बाद मेरा जो छोटा भाई था उसका अकाउंट पड़ा हुआ था, वो था 53 लेवल का आई थिंक सो, तो उसका अकाउंट मैंने यूज़ करना फिर चालू कर दिया। तो उसका मैं अकाउंट यूज़ करता रहा, फिर एकदम फिर से ही नया बग आ गया एक, और फिर उसी आईडी में, दूसरी वाली आईडी में मैंने फिर से वो बग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने वो बग यूज़ किया तो फिर से वो आईडी भी गई गाइस। तो अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने क्या बोला भाई अब क्या करूँ। फिर मैंने पूरा 7 से 8 मंथ का पूरा गैप लिया, 7 से 8 मंथ पढ़ाई की, वो गेम को छोड़ दिया। मैंने बोला यार छोड़, गेम को नहीं खेलते हैं, गेम का क्या ही फ़ायदा है। तो गाइज़ एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक पोस्ट दिखी कि पाकिस्तान सर्वर इज़ कमिंग। गाइज़ उसी दिन से ही मेरा इंटरेस्ट फिर से बढ़ गया फ्री फायर में एंड मैंने फ्री फायर खेलना चालू किया। मैंने सोचा यार हमारा सर्वर भी आ रहा है, जो कि आपको पता है कि सिंगापुर सर्वर में अगर हम खेलते थे तो वहाँ पे पिंग्स जो होती थी वो 300-400 पे ही रहती थी यूजुअली। तो यहाँ पे हमें अच्छी पिंग्स भी देखने को मिलेंगी एंड अपना सर्वर होगा तो अपने ही लोग होंगे, मज़ा आएगा। तो जैसे कि सिंगापुर सर्वर में लोग पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे तो उस लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, बट अगर पाकिस्तान सर्वर बनेगा तो उस पर सारे उर्दू बोलेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। गाइज मैं अपने छोटे भाई की आईडी में खेलना शुरू हो गया एंड कुछ ही दिन बाद फ्री फायर ने लकी व्हील करके एक इवेंट लाया। मैं आले लाइट पास, ऑल करेक्टर्स एंड दूसरी सारी चीज़ें दी गई थी। तो गाइज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मेरा छोटा भाई आया, फिर से उसने बोला यार तूने ये चेक किया क्या, न्यू इवेंट आया, तूने इसमें स्पिन मारा कि नहीं मारा। मैंने बोला यार मैंने तो नहीं मारा, कुछ नहीं निकलेगा यार, हमारा किस्मत नहीं है, मैंने उसको ऐसे बोला। तो उसने बोला लगा तो सही देखते हैं। तो जैसे ही मैंने पहला स्पिन मारा है गाइज वहाँ पे, तो पहले ही स्पिन में मुझे ओली लाइट पास निकल आया। और जैसे ही मैंने उस चीज़ को देखा मैंने सोचा यार ये क्या है यार, ये तो क्या चट्टी चीज़ दे दी है। मुझे तब पता भी नहीं था और किसी को भी पता नहीं था कि ओली लाइट पास सारे लाइट पास के बंडल्स हैं, वो किसी को भी नहीं पता था। तो जैसे ही मैंने लगाया तो भाई उधर ही निकल आया, तो मैंने उसको उधर ही स्किप कर दिया, ठीक है गाइस। तो फिर दूसरे तीसरे में दूसरी चीज़ें निकली, वो तो काम की नहीं थी, बेसिकली ये चीज़ काम की थी। तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, मगर किसी को भी उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि सारे एलाइट पासेस के बंडल भी ऐसा कुछ हो सकता है कि वो गरीना मेल बॉक्स में दे दे, वो किसी को भी नहीं पता था। मैं किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर से भी पूछा था, वो बोल रहे थे, कोई बोल रहा था 2-3 एलाइट पास मिलेंगे, कोई बोल रहा था यार ऐसा हो ही नहीं सकता, हिस्ट्री बन जाएगी, ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता ना, ग्रीना ऐसा कर ही नहीं सकता, ग्रीना इतना मेहरबान कैसे हो सकता है कि आल सारे एलाइट पास एक बंदे को मेल बॉक्स में सेंड करते, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट ऐसा एक्चुअली हुआ, तो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। तो गाइज फिर मैंने जानना शुरू किया, फिर मैं थोड़ा परेशान हो गया था फिर, बिकॉज बंदे बोल रहे थे यार 2-3 लाइट पास मिलेंगे। मैंने सोचा यार क्या ही मतलब, उसी दिन से ही मैं बेचैन हो गया था। मैं सोचता था कब ये सारे लाइट पास मेरे मेल बॉक्स में आएंगे एंड मैं क्लेम करूँगा। कुछ 12-13 दिन बाद ग्रीना ने मुझे मेल बॉक्स में सारे लाइट पास सेंड कर दिए, तो उसकी मैंने वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड भी की। तो गाइस वीडियो मैंने इसीलिए बनाई ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि सारे लाइट पास भी मेल बॉक्स में आ सकते हैं जैसे ग्रीना ने मुझे सेंड किए हैं, तो सारे बंदों को ऐसे यकीन हो जाए। तो मैंने वो वीडियो बना के वो अपलोड कर दी वहाँ पे, इन 2-3 वीडियो और भी मैंने अपलोड कर दी ताकि लोगों को पता चले कि ये भी हो सकता है ग्रीना फ्री फायर में, जो कि मेरे साथ हुआ। उसी दिन से ही मेरी शुरुआत होती है यूट्यूब की भी।
तो जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने देखा, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। एंड उसी के साथ हम यूट्यूबर भी बन गए। एंड पार्टनर प्रोग्राम की भी एक अलग स्टोरी है, अगर आप लोग वो भी सुनना चाहते हो तो वो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट स्टोरी वीडियो। तो बाय बाय गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।